हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट LDC 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, मैंने राजस्थान हाई कोर्ट LDC 2022 की परीक्षा के लिए 7 मॉडल पेपर और 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य को क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश 1 से 6, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए वाक्यों के काले भाग में कुछ ना कुछ त्रुटि है, उसके शुद्ध रूप को नीचे के विकल्प से ज्ञात कीजिए। यदि काले भाग में कोई गलती ना हो तो अपने उत्तर के रूप में डी अर्थात कोई सुधार आवश्यक नहीं है को इंगित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माली तुरंत पके और मीठे फल वृक्षों से तोड़ लेता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट अप करना है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पके और मीठे फल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समाज एवं देश के बहुमुखी विकास के लिए तन मन धन से प्रयत्न करना होगा, केवल मात्र कागजी योजनाओं से कोई लाभ नहीं होगा। केवल मात्र कागजी योजनाओं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? मात्र कागजी योजनाओं, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, बढ़ती महंगाई के कारण देसी घी खरीदने की सतर्कता लोगों में नहीं रह गई है। देसी घी खरीदने की सतर्कता, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन वी, देसी घी खरीद करने की सामर्थ्यता। चौथा क्वेश्चन, बैठक कक्ष केवल महिलाओं के लिए उपयोग के लिए है, केवल महिलाओं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? बैठक कक्ष केवल महिलाओं के उपयोग के लिए है। सो गाइस, राइट आंसर हो जाएगा कोई सुधार आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी। तो ये जो आपका आप जो ये वाक्य देख रहे हैं बिल्कुल ये शुद्ध है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सभी घायल भर्ती किए गए तथा ध्यान रखा गया। सभी घायल भर्ती किए गए तथा ध्यान रखा गया। भर्ती किए गए और ध्यान रखा गया, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, उस दिन पहली बार उन्हें अपने रिटायरमेंट का झटका महसूस हुआ। उस दिन पहली बार उन्हें अपने रिटायरमेंट का झटका महसूस हुआ, चूज कीजिए का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा रिटायर हो जाने का दुख हुआ, ये होगा, ठीक है। 7 से 39 क्वेश्चन देखेगा निर्देश में, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप दिए गए हैं, तो शुद्ध रूप का चयन करना है। तो आपको इनमें शुद्ध रूप का चयन करना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये बताइएगा आप लोग कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन चूज कीजिए और आंसर पुट अप कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ऑप्शन सी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन चूज कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, नरेश बहुत चालाक है, ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 9वां क्वेश्चन,
तो भाई राइट आंसर हो जाएगा मेरी आत्मा, ऑप्शन ए पवित्र है। दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दसवें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य क्या होगा? दसवें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा हम एक दूसरे की सहायता कर हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखिएगा, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 11वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 11वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए आजकल बहुत महंगाई है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्न वाक्य में गलती बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें गलती कौन सी है। 12वां क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक और आंसर बताइएगा आप लोग। ऑप्शन डी त्रुटि है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 13वें क्वेश्चन का आंसर, इनमें कौन सी त्रुटि होगी? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं, त्रुटि वाला शब्द चूज कीजिए। उनके एक पुत्र है, इसमें त्रुटि हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें त्रुटि बताइए। 14वें क्वेश्चन में किस वाक्य में त्रुटि है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अपने सामान को संभाल कर रखिए, ऑप्शन ए। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, 15वें क्वेश्चन में कौन से वाक्य में त्रुटि होगी? ऑप्शन सी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। 16वें क्वेश्चन का सही वाक्य क्या होगा बताइएगा? 16वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य सही होगा? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा जल्दी से जल्दी, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया, ऑप्शन सी। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, 17वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। 18वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? चूज कीजिए आंसर आप लोग। 18वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? ऑप्शन वी बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। 19वां क्वेश्चन देगा, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 19वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा उसका आचरण बुरा है, ऑप्शन वी। 20वां क्वेश्चन देखेगा, 20वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी ऐसी एकार्थ बात और सुनने में आती है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, 21वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 21वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? चूज कीजिए ऑप्शन, आंसर कमेंट बॉक्स में पुटअप कीजिए आप लोग। 21वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन डी। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, 22वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 22वां क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा विचार तो यही है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, 23वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 23वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है? प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा शिल्प को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। बी सी डी ऑप्शन चूज कीजिए और बताइएगा आप लोग कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगवाद की कविता में समाज और कथ्य की अपेक्षा शिल्प और व्यक्ति को अधिक दिया जाता है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, 25वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 25वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसी और सुर क्रमशः अवधी और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, 26वां क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि कौन सा वाक्य शुद्ध होगा 26वें क्वेश्चन में। तो 26वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन सी भाषावार राज्य बन जाने से उपभाषाएं विकसित नहीं हो पाई। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, 27वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा भाई?
27वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? सो गाइस 27वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य हो जाएगा नेता का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ऑप्शन सी, यानी कि हिंदू मुसलमान करते रहें, उनका हित इसी में रहता है और उनको फ़ायदा भी होता है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, 28वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 28वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, 29वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 29वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही है, जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही थी मैं उधर ही दौड़ पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वां क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 30वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। 31वां क्वेश्चन देखेगा, 31वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो चूज कीजिए आप आंसर, 31वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन बी। 32वां क्वेश्चन देखेगा, 32वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? भाई 32वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऑप्शन ए। 33वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, 33वें क्वेश्चन का कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? 33वां क्वेश्चन देखेगा, 33वें क्वेश्चन का कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? ऑप्शन सी, मुझे घर जाना है। 34वां क्वेश्चन देखेगा, 34वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध है? 34वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। हाँ 35वां क्वेश्चन देखिएगा, 35वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 35वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? ऑप्शन बी, हरे भरे लहराते खेत। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, 36वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 36वें क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने उस मैच को देखा, ऑप्शन ए। 37वां क्वेश्चन देखेगा, 37वें क्वेश्चन का कौन सा शुद्ध वाक्य होगा गाइस? 37वें क्वेश्चन का कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए। 38वां क्वेश्चन देखेगा, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 38वें क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? आप असफल हो गए तो क्या करोगे? प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से पता चलेगा, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। 39वां क्वेश्चन देखेगा आप लोग, 39 क्वेश्चन में कौन सी बर्तनी शुद्ध होगी, सॉरी कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? ऑप्शन सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। 40 से 46 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 40वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। 41वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 41वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर के प्राकृतिक सुंदरता पर कौन मुग्ध ना होगा। 42वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा भाई? 42वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 42वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृतियां उस विशाल साहित्य का अंग थी। 43वां क्वेश्चन देखेगा, 43वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा भाई? 43वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो 43वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं रात भर जागता रहा, ऑप्शन सी। 44वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा गाइस? 44वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? सो गाइस 44वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसका आचरण बुरा है। 45वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा गाइस?
45वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आंसर चूज कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। सो गाइस 45वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ना उसे नींद आती है और ना प्यास लगती है, ऑप्शन बी। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, 46वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, सॉरी 46वें क्वेश्चन का, तो 46वें क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हनुमान राम का भक्त था, ऑप्शन सी। 47 से 51 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इनमें से। 47वां क्वेश्चन पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़िए और अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए आप लोग, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, 48वें क्वेश्चन में कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं होगा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 48 क्वेश्चन में कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता दिवस में मंत्री जी ने झंडा फहराया। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, पहला ऑप्शन है देखो शत्रु दौड़ रहा है, अगले क्वेश्चन अगला ऑप्शन क्या है पढ़िए आप लोग, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, देखो शत्रु दौड़ रहा है। आज का हमारा 50वां क्वेश्चन रहेगा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, 50वें क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, 50वें क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए, लड़की ने मधुर संगीत बजाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरमार में क्या उपसर्ग होगा, भरमार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? भरमार, ऑप्शन बी भर। भरशक में कौन सा उपसर्ग होगा गाइस? भरशक, भरशक में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए भर्ष, और शक हो जाएगा आपका प्रत्यय। एन वक्त में कौन सा उपसर्ग होगा, एन वक्त में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? एन वक्त, तो एन वक्त में प्रयुक्त उपसर्ग होगा ऑप्शन डी एन, गैर हाजिर। गैर हाजिर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा गाइस? गैर हाजिर, तो गैर हाजिर में प्रयुक्त उपसर्ग होगा ऑप्शन बी। स्टार्टिंग का आपका गैर हो जाएगा उपसर्ग, हाजिर हो जाएगा आपका प्रत्यय। बिल्कुल, बिल्कुल में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल में प्रयुक्त उपसर्ग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल, ऑप्शन ए। लावारिस में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? लावारिस, लावारिस में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? लावारिस, तो लावारिस में प्रयुक्त उपसर्ग होगा ला, बड़ा ला। दर हकीकत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? दर हकीकत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? सो गाइस दर हकीकत में प्रयुक्त उपसर्ग होगा ऑप्शन सी दर। बदनसीब का ने उपसर्ग कौन सा होगा? बदनसीब, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा बद, ऑप्शन ए, और नसीब आपका प्रत्यय हो जाएगा बदनसीब। बाइज्जत, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? बाइज्जत, बड़ा बा, ऑप्शन बी। सरहद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? सरहद, सरहद में प्रयुक्त उपसर्ग होगा ऑप्शन ए सर। हर एक, हर एक में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? हर एक में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन ए हर। हर समय, हर समय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो हर समय में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी हर। सब इंस्पेक्टर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? सब इंस्पेक्टर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिप्टी जेलर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? डिप्टी जेलर में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा, देखिए डिप्टी आप हो, डिप्टी हो जाएगा आपका उपसर्ग, जेलर हो जाएगा प्रत्यय, तो ऑप्शन बी जो है आपका डिप्टी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 64वां क्वेश्चन, इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है, आपको आपको ये बताना कि इन चार विकल्पों में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा,
निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66। प्रश्नों में चार वाक्यों में तीन त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इनमें से त्रुटि वाक्य कौन सा होगा, त्रुटि रहित वाक्य। सो गाइस, इसमें से त्रुटि रहित वाक्य होगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन सी। 66वां क्वेश्चन देखिएगा, 66वां क्वेश्चन बताएगा इनमें से त्रुटि रहित वाक्य कौन सा होगा। तो इनमें से त्रुटि रहित वाक्य हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 67 से 70। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 29 से 33 में प्रत्येक वाक्य में चार भाग ए बी सी डी में विभक्त हैं, जिसमें से एक भाग में अशुद्धि है, अशुद्धि वाला भाग पहचानिए आप। तो 67वां क्वेश्चन देखेगा, आपको ये बताना है कि इनमें से अशुद्धि वाक्य कौन सा होगा, अशुद्धि वाक्य, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा इनमें से। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 रुपये मात्र थे। 68वां क्वेश्चन देखेगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार सभी बच्चे। 68वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से आपको ये बताना है इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, क्यों नहीं लाते। 69 क्वेश्चन देखेगा, 69वां क्वेश्चन, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन वी, तेते घर गया था। 70वां क्वेश्चन देखिएगा, 70वां क्वेश्चन, 70वें क्वेश्चन बताइएगा अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, त्रुटि रहित वाक्य कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे देश की एक ना एक वस्तु से। 71 से 80 क्वेश्चन देखिएगा आप, प्रश्न संख्या 71 से 80। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, आगे बढ़कर स्वागत करना इसको क्या बोलेंगे, आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी, तलवार, बरछी, भाला। तो आगे बढ़कर स्वागत करना को हम बोलते हैं ऑप्शन ए, अगवानी बोलते हैं इसको। गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र इसको क्या कहेंगे, गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र को क्या कहेंगे। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अंतवासी, अंतेवासी, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो इसको क्या कहेंगे, जिसे बुलाया गया ना हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो इसको कहते हैं अनाहूत, ऑप्शन सी। जिसकी गहराई नापी ना जा सके इसको क्या कहेंगे, जिसकी गहराई ना नापी जा सके इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अतः, ऑप्शन डी। जिस क्रिया का कर्म ना हो इसको क्या बोलेंगे, जिस क्रिया का कर्म ना हो इसको क्या बोलेंगे, तो जिस क्रिया का कर्म ना हो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए, अकर्मक। जो पिया ना जा सके इसको क्या बोलेंगे, अज्ञे, अपे, सपे, निश्रांत, जो पिया ना जा सके। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, जो पिया ना जा सके इसको बोलेंगे अपे। जो अपनी हत्या आप करे इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी, आत्मघाती। बिना वेतन काम करने वाला इसको क्या बोलेंगे, बिना वेतन काम करने वाला, तो बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, ऑप्शन डी। आय व्यय आदि की जांच करने वाला इसको क्या बोलेंगे, आय व्यय आदि की जांच करने वाला इसको क्या बोलेंगे, अंकेक्षक, ऑप्शन ए। जिसकी परिभाषा देना संभव हो इसको क्या बोलेंगे, जिसकी परिभाषा देना असंभव हो, तो जिसकी परिभाषा देना असंभव हो इसको बोलेंगे अपरिभाषित, ऑप्शन वी। प्रश्न संख्या 91 से 95 देखिएगा, नीचे दिए गए मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, हाथ मलते रह जाना, इसका मुहावरा क्या होगा, हाथ मलते रह जाना। तो भाई हाथ मलते रह जाना जाहिर सी बात है, यानी कि पछताना। पानी में आग लगाना का मुहावरा क्या होगा, पानी में आग लगाना, तो पानी में आग लगाना शांति में विघ्न डालना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंह से फूल झड़ना का मुहावरा क्या होगा, मुंह से फूल झड़ना का मुहावरा क्या होगा, तो मुंह से फूल झड़ना इसका मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन सी, मीठा बोलना। पगड़ी बदलना, तो पगड़ी बदलना का मुहावरा क्या होगा, पगड़ी बदलना, ऑप्शन डी, यानी कि दोस्ती करना। पेट में चूहे कूदना का मुहावरा क्या होगा,
पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 96 से 98, निम्नलिखित लोक तृतियों का सही अर्थ बताइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती की लोक तृति क्या होगी? एक हाथ से ताली नहीं बजती, सो गाइस इसकी लोक तृति हो जाएगी एक एक करने से झगड़ा नहीं होता, ऑप्शन डी। देसी मुर्गी बिलायती बोल, देसी मुर्गी बिलायती बोल की लोक तृति क्या होगी? देसी मुर्गी बिलायती बोल यानी कि बेमल प्रभाव, ऑप्शन बी। 98, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे की लोक तृति क्या होगा? सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा बहुत सीधापन नुकसान देता है, ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।